हेलो जी, स्वागत है एक और वीडियो में। तो भाई आज फिर देखो पहले की तरह दोनों। लास्ट वीडियो भाई बहुत लोगों ने देखी, बहुत लोगों ने वीडियो को लाइक किया, प्यार दिया। तो भाई आज हम आपको एक डेस्टिनेशन और दिखाते हैं चिलाबैक में। जब भी आप चिलाबैक में आओ, सरी से, वैनकोवर से, रिचमंड से, कहीं से भी अगर आप आओ इधर घूमने, तो भाई जगह पे जरूर आया करो, क्योंकि मैं चिलाबैक में ही रहता हूँ। मैं आपको बताता रहूंगा कि कहाँ कहाँ घूमो, सिर्फ कल्टस लेक के पीछे ही ना पड़ा करो भाई सारे, ठीक है? क्योंकि वहां पे टिकट नहीं मिलती जल्दी सी अब, क्योंकि सबको उसी का पता है। अब आपको दिखाएंगे व्यू बढ़िया और डेस्टिनेशन दिखाते हैं कि कहाँ पे आया करो, ठीक है? पिकनिक स्पॉट है, बहुत अच्छा है ना। और भाई जब अपना जो रेस्टोरेंट है राणा इंडियन फ्यूजन, उससे सिर्फ 7 मिनट की ड्राइव है, सिर्फ 7 मिनट की ड्राइव। आप खाना स्टॉप हमारे यहाँ पे लो, खाना खाओ, पैक कराओ और यहाँ पे आके पिकनिक करो, ठीक है जी? दिखाते हैं आपको। ये देखो फॉर्म एरिया इधर का, ओ देखो क्या व्यू है पहाड़ों के ऊपर, नजारे कैसी लग रही है आप जी जगह? बहुत अच्छा यार, ब्यूटीफुल है। आगे अपने उत्तराखंड की याद है। ये देखो सेम ऐसा नदी, सेम ऐसे चल रही है जैसे गंगा नदी हो, गंगा बिल्कुल गंगा वाली फीलिंग आ रही है भाई, बिल्कुल जैसे जो हरिद्वार में जो ऋषिकेश में और हरिद्वार में जो सप्तेश्री आश्रम की तरफ है ना, जो उस मतलब जो घाट वगैरह है वहां पे सेम यही फीलिंग आती है ऐसे ही, है ना, ऋषिकेश वाली। देखो जी ये है जी फ्रेजर रिवर है, ये फ्रेजर रिवर है जी, ये यहाँ से मिशन होके कनेक्ट होती तो सरी जाती है। हाँ ये सीधी जाके सरी जाके वहाँ वैनकोवर है ना। हेलो जी, तो ये देखो जी हमारे पीछे बिल्कुल क्या नज़ारा है, बिल्कुल इंडिया वाली फीलिंग आ रही है, उत्तराखंड की। रावत जी आपके सेम उत्तराखंड की फीलिंग आ रही है इनके उत्तराखंड में, बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि मैं भी बहुत घूमा उस साइड, ऐसा ही मज़ा आता है वहाँ भी जाके। तो ये देखो आपको नज़ारे दिखाते हैं। ये देखो जी जैसे गंगा नदी लग रही है सेम यहाँ पे, तो ये देखो बिल्कुल गंगा वाली फीलिंग आ रही है जी। देखो मेरे पीछे क्या मस्त नज़ारा है। ये देखो जी हम आए हैं यहाँ पे, ये देखो कितना साफ पानी है नदी का, बहुत साफ है फ्रेजर रिवर। ये देखो हम नदी के सेंटर में आ गए हैं। ये देखो वो हमारी कार वहां पे खड़ी है, वो दिख रही होगी आपको, वो हमारी कार है और हम पैदल चल के आए हैं यहाँ कार साइड पे खड़ी करके। तो जी पानी के पास चलते हैं, थोड़ी चाय बना के लाए हैं घर से, ये हमारी चाय रखी है और रावत जी चिल कर रहे हैं। वाह क्या नजारा है, ये टीम होटल से लेके आए रास्ते में से बेगन, चाय घर से लाए हैं, क्योंकि टीम होटल की चाय तो मजबूरी में पीते हैं हम तो घर वाली चाय की बात अलग ही होती है। इधर ही पराठे बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम पराठे बनेंगे इधर। लास्ट वीडियो टिकटॉक पे हमने डाली थी वहाँ पे चिलाबैक रिवर की, तो भाई बहुत लोगों ने लाइक करी, वो कम से कम 35-40 हज़ार बंदे ने करी है वीडियो, है ना भाई। इससे मेरे को पता लगता है कि लोग मतलब ट्रैवलिंग का बहुत शौक रखते हैं, है ना रावत जी, सरी में भी हर जगह ज़्यादातर लोग सरी, वैनकोवर और बर्नबी, रिचमंड वगैरह से वीडियो देखते हैं। तो भाई ये देखो आप मेरे पीछे एक और व्यू आपको लोकेशन में दिखा देता हूँ,
यार बड़ा मजा आ रहा है यार, बैठ के नजारा आ गया बैठ के, मैं भाई स्वाद आ रहा है बैठ के। तो बाकी बस यार एक गलती हो गई रावत जी, आज ड्रोन भूल गया मैं लाना यार, मैं ड्रोन नहीं लेके आना, इतना प्यारा शॉट आना था ना ड्रोन का, यहाँ पे बैठ के ना मैंने उड़ाना था ड्रोन, इस लकड़ी पर ऐसे जाता सीधा ड्रोन, और ये देखो पूरी वीडियो शूट करनी थी। चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे, दूर तो आए नहीं हम कोई, है ना, ये तो जगह हमारे घर से लगा लो 10-15 मिनट की ड्राइव, रेस्टोरेंट से है यही 5-7 मिनट की ड्राइव, है ना। तो भाई चिल सरी से जब आते हो ना बोलोगे रैपिड रेस्टोरेंट की प्रमोशन करते रहते हैं, पर भाई फिर क्या फर्क पड़ता है यार, सारी दुनिया प्रमोशन कर रही है, हम भी चलो आपके भाई का भी थोड़ा आपकी वजह से अगर आओगे तो आप मेरे से भी मिल सकते हो, कोई बात नहीं ठीक है। पर बाकी भाई अगर आप आके रेफरेंस देते हो भाई वीडियो देख के आए हैं तो भाई 10-15% हम डिस्काउंट भी देते हैं, पूरा भाई तो वो भी देते हैं। तो बाकी आओ राणा फ्यूजन से, हम आपको ना एक पैकेज बना के देते हैं $100 का, अगर 4 से 5 बंदे हो आप ठीक है, तो वो आपको सरप्राइज पैकेट मिलेगा। आप जब यहाँ पे आओ पिकनिक स्पेशल उसका नाम हमने रखा हुआ है, तो आप हमारे से वो लेते हो 2-3-4-5 जितने भी बंदे, उसी हिसाब से हम आपको सेटिंग करके दे देते हैं, तो उसमें आपको पिकनिक के लिए हर एक चीज़ मिलेगी, और हम वो डिलीवर भी कर देते हैं अगर आप यहाँ आके या कहीं से डिलीवरी कराते हो, क्योंकि 10 मिनट की ड्राइव है सारी, तो आपको फिर यहाँ पे बैठ के आराम से नज़ारे लो, और उसमें से आपको चने भटूरे भी मिलेंगे, छोले भी मिलेंगे, राइस भी मिलेंगे, सैलड भी मिलेगा ठीक है, और आप चाय भी लेके आ सकते हो यहाँ पे ठीक है। तो ऐसे ही भाई हम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बंदे चिला बैक आए तो फुल इंजॉय करके जाएं, बस राणा फ्यूजन का, राणा फ्यूजन का मेन मोटिव है कि स्वाद ठीक है, लाइफ में भी स्वाद और खाने में भी स्वाद ठीक है। तो जी हम आपके खाने में तो स्वाद हम डाल देंगे, और ये लोकेशन आपके लाइफ में स्वाद डाल देगी ठीक है, आपका स्ट्रेस फ्री, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और ज़बरदस्त रहो खा के ठीक है जी। एक नंबर का फ्रेश फूड मिलेगा और एक नंबर का व्यू मिलेगा आपको, आओ और राणा फ्यूजन में ये देखो जी, आप लोग देखते होंगे कि जो ना जब आप कॉस्को में जाते हो ना, यहाँ जो लोकल लोग रहते हैं या जो कनाडा में रहते हैं, तो कॉस्को में आपने देखा होगा $100 की, $80 की, $60 की छोटी छोटी सी बोट्स टंगी होती हैं वहाँ पे कई बारी, तो यार वो लोग सोचते हैं कि क्या होता है इनका, है ना। तो भाई ये देखो वो बोट लेके आप ऐसी जगह आते हो अपनी कार के ऊपर रख के ठीक है, और ला के यहाँ पे बैठ के फैमिली को यहाँ आराम से बिठा के ठीक है, तो ये ऐसे आप इंजॉय कर सकते हो ठीक है, तो ये उस बोट्स का मतलब होता है ठीक है भाई। तो ऐसे आप देखो ये इस नदी का बहाव भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं है और इतने डीप भी नहीं है, और आप लाइफ जैकेट पहन के छोटी बोट लेके आप इसमें आराम से अराउंड ऐसे चक्कर लगा सकते हो, घूम सकते हो, बस यार यही लाइफ होती है और क्या है, इसमें यही आपने मस्ती करनी होती है ठीक है। वो देखो आ रही है फैमिली कोई, हमारी कार के पास कार पार्क करी है, और वह देखो फैमिली आ रही है ना, तो भाई ऐसे ही इंजॉय करनी चाहिए लाइफ। ये देखो जी जब कभी जाते थे ना नदी पे कहीं पे, तो इस तरह का कोई स्टोन मिल जाता था ना हमें इस तरह का, तो भाई उसको उठा के रख ले जाते थे, और उसको उठा के अपने घर के बाहर जाके जो मंदिर में पेड़ फूट के नीचे के रख लेते थे, क्योंकि सब बोलते यही वो सुना है बचपन से कि भाई शिवलिंग को अगर ऐसे पत्थर को स्थापित करके पूजा करी जाए तो भाई बढ़िया है। तो फिर यहाँ पे तो हजारों पत्थर मिलेंगे ऐसे, और ये देखो इस टाइप के पत्थर भी लोग अपने मंदिर में रखना पसंद करते थे। बाकी नज़ारा देखो आप, तो भाई ये जो जगह है ना प्रॉपर मैं आपको बता देता हूँ कि जगह है क्या ये और कहाँ पे है ठीक है। भाई ये जो जगह है ये है चिलावैक के पास, डाउनटाउन से 10 मिनट की ड्राइव हमने करी होगी, 7 मिनट की ड्राइव करी होगी हमने, तो ये फ्रेजर रिवर है ठीक है। ये देखो आपको पता ही होगा फ्रेजर रिवर, ये सीधी यहाँ से सरी जा रही है होते हुए ठीक है। तो भाई यहाँ पे ऐसा है कि देखो जिसको फिशिंग का शौक है वो यहाँ पे आए, या जिसको कैंपिंग करनी है आप रात को यहाँ टेंट लगा के अपना सामान ला के 2-4-5 बंदे यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं, बहुत सेफ है ये, है ना। और जगह जगह पे ना बेंच भी बने हुए हैं, हम तो नीचे आ गए तो बेंच भी हैं वहाँ पे, आप अपना कोई स्टोव वगैरह, कोई बारबेक्यू, कोई ग्रिल, कोई फूड अपना ला के अपना रख सकते हो। बहुत अच्छी जगह देखो जहाँ पे हमारी कार पार्क लगी है वहाँ पे पीछे, तो और आगे भी ऐसी मतलब हर दो दो एक एक दो दो किलोमीटर के बाद जगह बनी हुई है,
तो आप आके अपनी कार पार्क करके अपना वहाँ पे भी आप बैठ सकते हो आराम से, कोई ऐसी बात नहीं। तो जगह जगह यहाँ पे ना फायर है, लोग शाम को आते होंगे, वो देखो रावत जी के सामने भी कोई बैठा होगा यहाँ पे आग जला के गया होगा, है ना। तो यहाँ मतलब बहुत लोग आते हैं भाई यहाँ, तो इन जगह जरूर आया करो। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर यार यही तो चीज़ें हैं देखने की, नज़ारे और है क्या आपको मैं बताऊँ। कि चलो वैनकोवर डाउनटाउन, ये वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ये तो यार हर कोई आके एक दो बार यहाँ देख के लगता है बस अब क्या है, कुछ नहीं है ना। पर जो ये नज़ारा होता है ना, ये नेचर के साथ और ये माउंटेन्स रिवर, ठीक है, तो ये नज़ारा भाई सुकून हो जाता है बंदे को बहुत ज़्यादा, दिल को, ठीक है, स्ट्रेस फ्री कर देता है ये नज़ारा। अब रावत जी देखो इतने स्ट्रेस फ्री है इस टाइम, नज़ारे में बैठे हैं, तो बाकी कुछ दोनों साथ हैं तो बड़ा हमारा फिर मन तो लगा ही रहता है, ठीक है गाइस। तो चलो फिर इसी के साथ भाई ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, और भाई लास्ट वीडियो में तो स्वाद ही आ गया भाई, ओके, थैंक यू भाई।